हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ में आज हम आपको बताएंगे कि क्या है दुनिया के खत्म होने का रहस्य। समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां सुनाई देती हैं। आपको बता दें कि देवभूमि में मौजूद गुफा में छिपा है रहस्य जो दुनिया खत्म होने की गवाही दे रहा है। इस गुफा में मौजूद हैं चार खम्भे जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं। इन चार खम्भों में से तीन के आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि कलयुग के खंभे के बारे में यहाँ के पुजारी कहते हैं 7 करोड़ वर्षों में यह पिंड 1 इंच बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट कस्बे में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में स्कंद पुराण में भी कहा गया है। कहते हैं कि इस गुफा में भगवान शिव निवास करते हैं और यहाँ सभी देवी देवताओं की शिव पूजा करते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा में जंजीरों को पकड़कर पहुंचा जाता है। इसके बाद आगे वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटकर रख दिया था। आदि गणेश की सिर विहीन मूर्ति लोगों को स्तब्ध कर देती है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल सुशोभित है, जहाँ से दिव्य जल की बूंदें टपकती हैं। वहीं गुफा में नाग की आकृति भी चट्टान में नजर आती है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला था, लेकिन तक्षक नाग बच निकला, जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी है। इसी तरह आगे चट्टानों पर एरावत हाथी के तरासे हुए पैर नजर आते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने इस गुफा के पास तपस्या की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की। अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय के थन की आकृति नजर आती है। ये कामधेनु गाय का स्थान है। कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है। गुफा की शुरुआत पर वापस लौटने पर एक मनोकामना कुंड है। मान्यता है कि इसके बीच बने छेद से धातु की कोई चीज पार करने पर मनोकामना पूरी होती है। धन्यवाद।